नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश। जैसा कि हम लोग झारखंड सचिवालय रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग कर रहे थे, उसका आज हमारा क्लास 3 है, इसको आज हम लोग देखेंगे। आगे तो आगे हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। हम लोग बहुत सारा टाइप किए थे, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन देखे थे, उसमें एग्जाम्पल के थ्रू प्रैक्टिस किए थे। हम लोग देखे थे कि किस तरह सबका वैल्यू याद रखना है, अलग अलग ट्रिक देखे थे, EOT अपोजिट का ट्रिक देखे थे, ठीक है। फिर अलग अलग एम का कैसे याद रखना है, डब्ल्यू कैसे याद करना है, बी का 22, R 18, इस तरह के हम लोग बहुत सारी चीज देखे थे, तो उसको आप पिछला वीडियो में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग नया टाइप का शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन बोलता है कि यदि 1986 को कूट लिपि में ये लिखा जाता है तो 2345 को ये, तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन में हम करते क्या है कि सीधे मैच करेंगे, हम सीधे जाएंगे कि हमसे पूछ क्या रहा है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमसे पूछ रहा है, तो हम सीधा मैच करना स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ ट्रायंगल है, ट्रायंगल यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ट्रायंगल है, ट्रायंगल वो क्या बोल रहा है, तो 8 बोल रहा है, तो पहला वर्ड हमारा 8 आ गया। फिर देखिए ये सिंबल, तो ये सिंबल यहाँ पे इसको क्या बोल रहा है, तो 6। फिर अगला ये, इसको यहाँ पे क्या बोला है, तो 5। अगला क्रॉस, क्रॉस देखिए यहाँ पे इसको क्या बोला है, 3। फिर यहाँ पे प्लस, प्लस को क्या, 2। और लास्टली ये हमारा स्क्वायर, इसको क्या बोला, 4। तो इस तरह करके ये मेरा आंसर हो गया। तो बस आपको क्या करना है कि सीधे आंसर पे जाइए, मैच करिए और टिक करिए। अगला क्वेश्चन सेम उसी तरह का बोलता है, किसी कोड में ओवर को इस रूप में लिखा जाता है, वेस्ट को इस रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में सोर को कैसे लिखा जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार देखा जाता है कि आ जाता है। तो इसमें भी सेम वही हम देखें, यहाँ पे सौर पूछ रहा है, तो सीधे जाएंगे, तो एस, तो एस का देखिए यहाँ पे क्या है, क्रॉस, तो पहला क्रॉस सिंबल आया। अगला क्या, ओ, तो ओ का देखिए यहाँ पे डॉलर का साइन है। आगे आर, आर का यहाँ पे स्टार बना हुआ है। फिर ई, तो ई का क्या, परसेंटेज का साइन है। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, ये ए। तो इस तरह का टाइप एग्जाम में बहुत बार देखा जाता है, तो आप कुछ क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करिए, उसके बाद ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। बोलता है एक निश्चित कूट भाषा में नेम्स को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में क्रेन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हम देखते हैं नेम्स, तो N A M E S, इसको लिखा क्या गया, T F N B O। देखिए तो यहाँ पे N O A B, तो बेसिकली कर क्या रहा है कि सब में प्लस वन हो रहा है। देखिए N में प्लस वन, N के एक आगे बढ़े तो O, A के बाद B, M के बाद N, E के बाद F, S के बाद T, और इसको जस्ट फिर क्या क्या रिवर्स कर दिया, है ना। तो सेम थिंग इसमें हमको ये इसके साथ भी करना है, तो क्या होगा, सी, सी के बाद हमारा आ जाएगा क्या, डी, फिर आर, तो आर के बाद आ जाएगा एस, फिर ए, तो ए का बी, फिर एन, तो एन का हो जाएगा हमारा ओ, और ई का एफ, ठीक है। अब जस्ट इसको हम क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है, इसमें कोई याद रखना है कि इसको रिवर्स करना है। तो देखिए इस तरह का भी ऑप्शन हो सकता है, कहीं पे होगा, देखिए यहाँ दिया है ना, अगर हमको कोई याद नहीं रहेगा कि हमको रिवर्स करना है तो यहाँ पे गलती हो जाएगा, तो इसको हमको रिवर्स करना है, तो आंसर होगा डी एस बी ओ एफ, बी आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, तो यहाँ बोलता है कि किसी खास कोड में रिटेल को ये लिखते हैं, तो इसी कोड में एक्सपेक्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो सेम थिंग देखते हैं, यहाँ पे लिखे आर ई टी ए आई एल रिटेल, इसको लिखा क्या है, यू एफ एस बी जे एम। देखिए यहाँ पे देखिए कि यहाँ सीधे सीधे हमको दिख रहा है कि ए से बी, आई से जे, एल से एम, यहाँ पे प्लस वन हुआ है, ये तीनों में सीधे प्लस वन कर दिया गया है सब में, और बाकी में
देखिए आर एस यहां पे क्रॉस हुआ है, आर के बाद एस, टी के बाद यू और यहां पे सीधे सेम, यहां पे भी देखिए यहां पे प्लस वन हुआ है, सेम यही प्रोसेस को हमको इसके साथ करना। तो पहले ये लोग तीनों के साथ करते थे, ई के बाद जस्ट क्या आ जाएगा हमारा, हमको क्या करना है, प्लस वन करना है, ई के बाद एफ, सी के बाद डी, टी के बाद यू, यहां पे क्रॉस होगा हमारा और ये एज इट इज उतरेगा प्लस वन के साथ, तो पी का क्यू एक्स के बाद वाई, ई के बाद एफ, तो ये आंसर होगा क्यू वाई एफ एफ डी यू। तो देखते हैं ये हमारा डी आंसर। तो बस अगर आपको टाइप याद है कि ऐसा होता है, दिमाग में है, तो वहां पे तुरंत बन जाएगा। आगे आते हैं हम लोग, बोलते हैं यदि किसी सांकेतिक भाषा में चाइल्ड को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में बेब को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सेम थिंग, ये हम लोग पहले चाइल्ड लिखते हैं, सी एच आई एल डी, इसको क्या लिखा गया है, तो आई एम ओ क्यू जे, ठीक है। यहाँ पर हम नंबर दिखते हैं, हमको डायरेक्ट नहीं दिख रहा है कि प्लस वन प्लस टू नहीं हो रहा है, तो थोड़ा नंबर लिखते हैं, सी का कितना होता है 3, एच का हम लोग ट्रिक याद किए थे मिला के, है ना, एच है तो इधर मिला दिए तो कितना हो गया 8, है ना, तो एच का 8, आई का भी याद किए थे कि आई इंग्लिश में आई को ऐसे लिखते हैं ना 9, है ना, एल 12, डी 4, आई का 9, एम में बताया था कि यहाँ पे 3 छुपा हुआ है एक लिख देना है 13, ईजोटी से ओ का याद किए थे 15, क्यू 17, ईजोटी से जे का 10। अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे हम देखें तो 3 में 6 ऐड हुआ, 8 में यहाँ 5 ऐड हुआ, अगर ऐसे देखें तो। फिर अगला हम जाते हैं तो फिर से 9 और 6, फिर से प्लस 6, 12 5, फिर से प्लस 5, तो अल्टरनेट प्लस 6 प्लस 5 चल रहा है, फिर 4 और 6 10, तो इस तरह पता चला कि अल्टरनेट में प्लस 6 और प्लस 5 चल रहा है, बस यही चीज हमको इसके साथ करना है। तो बी का कितना होता है 2, ए का 1, बी का 2, ई जोटी से ई का 5, यहाँ पे हमको क्या करना है, इसमें प्लस 6 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 5 आते हैं, तो 6 और 2 कितना होगा 8, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 5 और 5 10, तो 8 होता है किसका, एच का, अभी देख रहे हैं यहाँ पे 6 होता है मेरा एफ का, 8 होता है एच का, 10 ई जोटी से जे, ये आंसर हो गया, तो ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे, टाइप याद रखिए कि कैसे किस में हो रहा है, कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेगा तो बिल्कुल हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बोलता है किसी खास कोड पल्स को ये लिखा गया, न्यू को ये लिखा गया, तो इसी कोड में प्रॉप्स को कैसे लिखा जाएगा। सेम थिंग देखते हैं, देखिए पल्स पी यू एल एस ई पल्स, इसको क्या लिखा गया है, डी आर के टी ओ, तो यहाँ पे देखिए क्लीन दिख रहा है, पी और डी में तो कोई कनेक्शन होगा नहीं, बहुत दूर है ये सो, तो क्रॉस में दिख रहा है, देखिए तो पी ओ ओ पी माइनस वन हो रहा है, माइनस वन हो रहा है, यू टी इसमें माइनस वन, एल के एल होता है, यहां पे भी देखिए एस आर डी ई, क्या कर रहा है, माइनस वन करके इसको रिवर्स कर रहा है, लाइक फर्स्ट वाला लास्ट में जा रहा है, फिर सेकंड वाला सेकंड लास्ट में, थर्ड वाला थर्ड लास्ट में, सेकंड लास्ट वाला सेकंड में आ रहा है और लास्ट वाला फर्स्ट में आ जा रहा है, तो वो रिवर्स हो जा रहा है। सेम चीज इसके साथ भी कर रहा है, न्यू के साथ भी वही चीज हो रहा है अगर आप देखिएगा तो इसके साथ वही करते हैं। तो यहाँ प्रॉप्स, तो पी पी के जस्ट पहले क्या आता है, तो हम लिखे हैं यहाँ पे आर, है ना, आर, आर के जस्ट पहले क्या आता है, तो आर के जस्ट पहले आता है हमारा क्यू, ओ के जस्ट पहले, तो ओ के जस्ट पहले हम लोग आ जाएगा एन, उसके बाद बी के जस्ट पहले ए, ई के जस्ट पहले डी, एस के जस्ट पहले आर,
सॉरी यहाँ पे हो होगा है ना, पी था ना, पी के जस्ट पहले हो, तो आर डी ए एन क्यू हो, ये हमारा आंसर हो गया ए नंबर। तो बस हमको लॉजिक समझना है, देखना है कि कैसे कहाँ पे हो रहा है, उसके बाद आगे क्लिक कर देना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोलता है यदि किसी सांकेतिक भाषा में चाइल्ड को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में बेब को, ये क्वेश्चन कर चुके थे हम लोग पहले। बोलता है यदि फेड को किसी सांकेतिक भाषा में ये लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। देखिए फेड, एफ ए डी ई, फेड को क्या लिख दिया, यू जेड डब्ल्यू वी। तो देखिए तो हम लोग ये पढ़े हैं, ये जस्ट देखिए अपोजिट है, हम लोग पढ़े थे एफ और यू का, फोर यू है ना, ये अपोजिट एक दूसरे का, फोर यू, ए टू जेड, डूइंग वर्क, इवनिंग है ना, अगर वो आपको ट्रिक याद होगा तो उससे तुरंत ही क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें वही कर देंगे हम लोग, देखिए यहाँ आई है तो आई से क्या आ गया हमारा, याद किए थे, इंडियन रेलवे, एफ से फोर यू, एच से हाई स्कूल, जी से जीटी रोड, तो आर यू एस टी ऑप्शन है। अगर हमको ट्रिक याद होगा तो क्वेश्चन बनाने में 5 सेकंड से भी अधिक समय नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोलते हैं यदि किसी सांकेतिक भाषा में एक्शन को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में हेल्थ को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो एक्शन लिखते हैं ए सी टी आई ओ एन, इसको लिखा गया है जेड एक्स जी आर एल एम। यहाँ पे भी देखिए वही दिख रहा है, ए टू जेड, चंद्रा एक्सरे, जीटी रोड, इंडियन रेलवे, लव, नरेंद्र मोदी। तो अगर हमको ट्रिक याद होगा तो तुरंत ये क्वेश्चन बनेगा। इसमें वही लगाएंगे एच, तो एच से क्या हो गया हमारा, हाई स्कूल, ई से इवनिंग, ए से ए टू जेड, एल से लव, टी से जीटी रोड, एच से हाई स्कूल, तो यही होगा एस वी जेड ओ जी एस, तो ये पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो अगर हमको अपोजिट वर्ड किसी तरह याद हो जाए कि कौन किसका अपोजिट है, तो इस तरह क्वेश्चन बिल्कुल मेरे से नहीं छूटेगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो आके देख लीजिए, उसमें बताया गया है कि कैसे उसको याद करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में डिस्प्ले को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में प्रोजेक्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं तो डी आई एस पी एल ए वाई, डिस्प्ले को क्या लिखा गया, बी एल क्यू एस जे डी डब्लू। देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो तुरंत हमको कोई लॉजिक दिख नहीं रहा, तो हम तुरंत नंबर लिख लेते हैं, तो डी का 4, आई का 9, एस का 19, पी 16, एल 12, ए 1, वाई 25। हम ट्रिक देखे थे, अगर आपको यहाँ तक ट्रिक याद हो गया होगा तो तुरंत आप इसका वैल्यू लिख लीजिएगा। उसी तरह बी 2, एल 12, क्यू 17, एस 19, जे 10, डी 4, डब्ल्यू 23। डब्ल्यू बताए थे यहाँ पे 3 छुपा हुआ है, 2 बैठा देना, के एम में 1 बैठाना, डब्ल्यू में 2 बैठाना, याद रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग, तो 4 से 2 आया तो -2, 9 से 12 आया तो +3, फिर आगे बढ़ते हैं तो 19 से 17 -2, 16 से 19 +3, तो यहां तक हमको दिख रहा है कि -2 +3 अल्टरनेट चल रहा है। यहाँ पे भी देखिए 12 से 10 -2, 1 से 4 +3, 25 से 23 -2। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि -2 +3 का क्या हो रहा है, अल्टरनेट प्रोसीजर हो रहा है यहाँ पे। सेम हमको इसके साथ भी करना है, यहाँ पे जगह थोड़ा सा ले लेते हैं। तो पी का पी 16, आर 18, ओ 15, जे 10, ई 5, सी 3, टी 20 है ना, ये जो टी से याद किए हैं, और भी बहुत सारे तरीके से हम लोग याद किए हैं, देखे हैं।
यहाँ पे वही प्रोसेस करते हैं, अल्टरनेट माइनस टू प्लस थ्री, तो फर्स्ट में माइनस टू तो आएगा कितना, 16 में 2 गया तो आ गया हमारा 14, फिर प्लस 3 18 और 3 कितना हो गया तो 21, फिर माइनस 2 तो 13, फिर प्लस 3 तो फिर 13, 10 और 3 13, फिर माइनस 2 5 में 2 हो गया तो 3, फिर प्लस 3 3 और 3 कितना हो गया 6, उसके बाद माइनस 2 तो यहाँ पे हो गया मेरा 18। अब इसका वैल्यू लिखते हैं, तो 14 में किसका है n है ना, 21 में तो यूटी से हम लोग याद किए थे, 21 में कौन आता है यू, 13 में हम लोग ट्रिक देखे थे m, यहाँ भी m, ये जानते हैं, 3 किसका c, 6 e के जस्ट बाद f, r 18 मैच करता है, इस तरह इसको याद कर सकते हैं हम, तो ये हमारा आंसर होगा n u m m c f r, n u m m c f r, ये हो गया आंसर, सॉरी n u m m c f r, इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे देखिए e f होना था ना, यहाँ पे इनमें से कोई आंसर होगा। आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, बोलता है यदि दिल्ली को किसी सांकेतिक भाषा में ये लिखा जाता है तो बॉम्बे को कैसे लिखा जाएगा, तो दिल्ली दिल्ली लिखते हैं तो डी ई एल एच आई, दिल्ली, दिल्ली को क्या लिखा गया है तो सी सी आई डी डी, ये लिखा गया यहाँ पे, चलिए ठीक है एक घटाया यहाँ पे, फिर मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे हुआ, बहुत बड़ा गैप दिख रहा है, तो हम फिर से वैल्यू लिख लेते हैं, जब भी इस तरह का क्वेश्चंस में नहीं समझ में आने लगे तो तुरंत क्या करिए, वर्ड को लिखिए और उसका वैल्यू लिख लीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि कैसा लॉजिक लगता है, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको वर्ड का जो भी यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है उसका वैल्यू याद हो, क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा, तो डी 4 ई जोटी से ई 5 एल 12 एच का ट्रिक देखे थे, एच 8 आई का याद किए थे, 9 सी 3 3 आई 9 डी 4 4, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, -1 हुआ, यहाँ 5 से 3 -2 हुआ, यहाँ 12 से 9 -3 हुआ, 8 से 4 यहाँ -4 हुआ, 9 से 4 यहाँ -5 हुआ, तो क्या हो रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगातार माइनस होते होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है ना, हुआ एक बार -1 एक बार -2 -3 -4 इस तरह कंटिन्यू क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है और माइनस होते जा रहा है इसमें, यही लॉजिक यहाँ पे भी लगाना है, तो सबको वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग पहले, तो बी 2 इजोटी से ओ का कितना 15, एम का 13, बी का 2, ए का 1, वाई का 25, फर्स्ट में -1 इसमें -2 -3 -4 -5 लास्टली -6, तो 2 में 1 गया तो आ गया हमारा 1, 15 में 2 गया तो 13, 13 में 3 गया तो 10, 2 में 4 गया तो 2 में 4 गया तो दो में पहले चल गया तो -2 बचा तो 26 में -2 करिए, दो में पहले खत्म हो गया ना, 2 -4 हुआ डेट मीन्स -2 बचा, तो हम लास्टली क्या करेंगे 26 में -2 करेंगे, फिर से उसको स्टार्ट करके तो कितना है 24, 24 लिखेंगे, टोटल वर्ड होता है ना हम लोग का 26 अल्फाबेट में, उसी तरह इसमें तो 1 गया तो -4 तो 26 -4 तो कितना है 22, तो यहाँ पे 22 आएगा, फिर 25 में 6 गया तो आया कितना 19, अब इसका वैल्यू लिख देना है, तो 1 ए एम 13 याद किए थे, जे 10, 24 किसका होता है एक्स, बताया था ना 24 घंटा कोई काम करना नहीं चाहिए, तो इस तरह क्रॉस से याद किए थे हम लोग, नहीं है ना, बी 22, फिर एस 19, तो आंसर हो गया ए एम जे एक्स बी एस, तो ये कहाँ पे ऑप्शन है हमारा ए एम जे एक्स बी एस, ऑप्शन बी आंसर, तो इस तरह हम लोग अलग अलग टाइप का क्वेश्चन देखें, उसमें देखेंगे कि इसको कैसे बनाना है, अलग अलग एग्जाम्पल से समझें, आप लगातार इसमें प्रैक्टिस करते रहिए, और भी आप प्रैक्टिस सेशन कोडिंग डिकोडिंग कर सकते हैं इस ऐप को फॉलो करके, इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करिए, इसमें बहुत सारा सेशन चलता है, आप सेट दे सकते हैं इस ऐप के थ्रू, इसी के साथ कोडिंग डिकोडिंग का हम लोग का चैप्टर खत्म होता है यहाँ पे, अगला वीडियो रीजनिंग का नया चैप्टर के साथ आएगा।
धन्यवाद।